Yo, what's up guys, it's Paya Sher and welcome to Minecraft। और गाइज हम लोग फंस चुके हैं एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ से हम लोगों को निकलने के लिए बहुत सारे पजल सॉल्व करनी पड़ेगी। और भाई यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ही हार्ड है, मतलब सब कुछ चेस्ट भी यहाँ पे है, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पे लॉक क्यों हैं? हेलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। और ये आवाज़ जाए भाई, कितनी ज़्यादा तेज आ रही है। ओके ऑल राइट गाइज, हम लोग आ चुके हैं मेज के अंदर और हम लोग अभी हेलीकॉप्टर के अंदर थे और वहाँ से हम लोगों को लाके ना एक मेज के अंदर बंद कर दिया गया है। और ये मेज जो है ना बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, जैसा कि मैंने देखा था। और यहाँ पे ना बहुत सारे प्रिजनर्स भी आए हुए हैं और ये भाई यहाँ पे आते ही मर चुके हैं। और मुझे नहीं पता मेरे को यहाँ पे क्यों लाया गया, बट अब मेरा भी खेल खत्म होने ही वाला है। इस मेज से बाहर निकलना बहुत हार्ड है, बट यहाँ पे मेरे को ना एप्पल्स मिल चुके हैं सर्वाइव करने के लिए, कुछ टॉर्चेज मिल चुके हैं और कुछ वेपन भी मिल चुके हैं जो कि मैं स्टार्टिंग में बनाता हूँ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और बाकी ये तो अभी लॉक ही पड़ी है, बैरल में कुछ है नहीं, हम लोगों को क्राफ्टिंग टेबल की जरूरत पड़ेगी और हमारे पास ज्यादा वुड नहीं है, बट यहाँ पे हम लोगों को वुड मिल सकता है। ओके तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं क्योंकि अभी यहाँ से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले ये वाली ब्लॉक तोड़ते हैं, वेट में तोड़ नहीं पा रहा। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैं यहाँ से बाहर निकल चुका हूँ और भाई ये प्रिजन जो है ना बहुत ज़्यादा, भाई यार इतनी ज़्यादा ऊपर से गिराया है ना कि हम लोग सीधा आधे ज़मीन के अंदर ही चले गए और मेरी हड्डियाँ भी टूटी होगी, मुझे पक्का पता है। और भाई यहाँ पे तो बहुत सारे पेड़ भी हैं और यहाँ पे पानी भी है। अब मेरे को ना इस मेज से बाहर निकलने के लिए बहुत सारे पजल सॉल्व करनी पड़ेगी। अब मेरे को नहीं पता वो पजल कैसी है, तो एक काम करते हैं यहाँ से पहले देखते हैं हम लोग बाहर निकलने के लिए। मेरे को यहाँ पे ना कुछ लोग भी मिल सकते हैं जो कि हमारी हेल्प कर दें यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो एक काम करता हूँ, पहले तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। भाई यहाँ पे तो हर तरफ भाई सब बड़े बड़े ब्लॉक्स लगे हुए हैं और हम लोग यहाँ से टाप के भी बाहर नहीं जा सकते। भाई क्या हार्ड ही सीन चल रहा है। ओके यहाँ पे मेरे को एक चेस्ट मिला है, ये है नॉर्थ कंपास। अरे यहाँ पे तो सिर्फ नॉर्थ कंपास है, तो एक काम करते हैं एक ले लेते हैं। और ये क्या है, लॉग बुक है। ओके बेड भी है यहाँ पे रखा हुआ, बट बेड तो ये है ना एक लगा हुआ है, मैं इसी पे रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेता हूँ अपना। और यहाँ से अभी बाहर निकलते हैं। भाई यार रुको, चलो हम लोगों को यहाँ पे हमने अपना रिस्पॉन पॉइंट भी सेट कर दिया है। अभी तो मुझे नहीं पता कि हमारे साथ क्या क्या और हो सकता है, लेकिन हम लोगों को ना ये जगह बहुत अजीब लग रही है। ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए तो बहुत सारा खाना चाहिए होगा, बट यहाँ पे तो मेरे को एक भी खाना की चीज़ दिख नहीं रही है, लाइक ना यहाँ पे पिग्स है ना ही एनिमल्स है। तो हम लोग और बाकी यहाँ से रास्ता जा रहा है, बट मुझे पता है कि ये बहुत खतरनाक जगह है, तो अगर मैं यहाँ पे खो गया ना तो मैं वापस यहाँ पे आ नहीं पाऊंगा। तो इसलिए मेरे को पहले तो अपने लिए इंतजाम करना पड़ेगा खाने पीने का, क्योंकि भाई अगर लिटरल हम लोग कहीं बीच में फंस जाते हैं ना तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा और हम मर जाएंगे यार, लिटरल मर जाएंगे। तो हम लोगों को मरना तो नहीं है इसमें, और यहाँ से स्केप करना है जैसे तैसे होके, स्केप करना ही करना है। तो एक काम करता हूँ, पहले तो मैं यहाँ से कुछ वुड अपने साथ ले लेता हूँ क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ सकती है हम लोगों को। और यहाँ पे ये क्या है, ओके यहाँ पे डोर है क्या? ओके तो यहाँ से नहीं एक रास्ता जा रहा है गाइस। तो एक काम करते हैं, डरते नहीं है, चुपचाप यहाँ से आगे निकलते हैं, देखा जाएगा जो होगा। तो चलो भाई यहाँ से आगे निकलता हूँ, वैसे तो मेरी फटकिया हाथ में आ जाएगी, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ से बाहर निकल के एक बार ट्राई करते हैं। ओह यहाँ से तो रास्ता बंद है गाइस, नहीं ओके यहाँ पे भी रास्ता खुला हुआ है। ओके एक काम करते हैं यहाँ, ओह किस साइड जाऊँगा मैं भाई, दो साइड आ गए। एक काम करते हैं इस साइड चलते हैं। ओके गाइस तो ये रास्ता तो बंद है यहाँ पे, तो एक काम करते हैं यहाँ से निकलने के बजाय वहीं से निकलते हैं क्योंकि रास्ता बंद है ना इसलिए। ओके वेट गाइस, क्या मेरे को ये चढ़ के उतनी ऊपर जाना पड़ेगा? क्योंकि अगर मैं गिर गया ना तो लिटरली ऐसी तैसी हो जाएगी। एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर हम लोग इसके ऊपर जा पाएँ और ऊपर जाते ही हम लोग टाप पाएँ तो हम लोग सीधा ऊपर से बाहर निकल सकते हैं ना। ये आइडिया मेरे को पहले क्यों नहीं आया भाई साहब, ये तो बहुत कड़क आइडिया है। तो एक काम करते हैं यहाँ से बाहर निकल के देखते हैं। ओ वेट, यहाँ से थोड़े ब्लॉक ऊपर है, मैं इसको तोड़ सकता हूँ क्या? ओ यार हम लोग इसको तोड़ भी नहीं। ओके लेट्स गो। ओ वेट गाइज, मैं इसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा। ओ ऊपर बंद कर रख, भाई साहब क्या ही गलत सीन हो रखा है हमारे साथ। हम लोगों को रास्ता जो मिला वो भी बेकार था। चलो भाई एक काम करते हैं, अपने ब्लॉक्स लेते हैं और नीचे निकलते हैं वापस।
मैं बच चुका हूँ, बट मैं इसमें आके फंस गया था। ओके कोई नहीं, निकलते अभी यहाँ से। भाई यहाँ हर जगह ये कॉबवेब के जाले पड़े हुए हैं और यहाँ पे मेरे को ना मॉब्स की आवाज़ भी आ रही है, मेरे को डर लग रहा है। एक काम करते हैं, ये तोड़ के देखते हैं कहीं यहाँ पे कुछ छुपा के तो नहीं रखा हुआ है। ओके मेरे को यहाँ पे फ्लिंट मिला। ओके गाइस तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, हम लोग खामखा यहाँ पे आए। अभी मेरे को ना यहाँ पे आगे जाके देखना होगा कि आगे क्या क्या मेरे को सर्वाइव करने को मिल सकता है। ओके यहाँ पे रास्ता बंद है यार। और गाइस हम लोगों को भूख भी लग चुकी है और मेरे पास खाने के लिए सिर्फ ये सेब रखे हुए हैं मेरे पास। भाई इन एप्पल्स में तो हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा लिटरल यार, मेरे को खाने के लिए तो कुछ तो ढूंढना ही पड़ेगा यार। ओके ऑल राइट, मैंने ये वाली बुक पढ़ी गाइस और इस बुक में लिखा हुआ है कि ये मेज हार्ड नहीं है बट हार्ड है। कहाँ आगे मैं फंस गया यार। और मेरे को कह रहे हैं कि यहाँ पे ना मेरे को करेक्ट ऑर्डर में वूल्स लगानी पड़ेगी ताकि मैं यहाँ से एस्केप कर पाऊँ और एग्जिट कर पाऊँ इस मेज को, और यहाँ पे जो लोग हैं ना उनको मुझे बचाना भी पड़ेगा क्योंकि अगर वो मर गए ना तो हम लोग का कुछ नहीं हो पाएगा। तो भाई क्या गलत जगह पे मैं आ गया। ऑलराइट मैं पता नहीं कहाँ तो जाते जा रहा हूँ, मेरे को डर लग रहा है कि अगर वाओ यहाँ पे गाइस एक चेस्ट मिली मेरे को और इसमें बुक्स रखी हुई है। मेरे को ये बुक्स पढ़नी पड़ेगी क्योंकि ये बुक्स जो है ना बहुत ज़्यादा काम की होगी मेरे को जहाँ तक लगता है। तो एक काम करता हूँ, मैं ये बुक्स को ना जल्दी से पढ़ लेता हूँ बट यहाँ से पहले निकलते हैं क्योंकि इसी मेज के अंदर मे भी हो सकता है हम लोगों को और भी चीज़ें मिले। भाई यहाँ पे बहुत सारी ज़ॉम्बीज हैं और मैं नहीं चाहता यहाँ पे खो जाऊँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पे खो गया ना तो हमारे पास खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं, मरना तो पक्का है। खो गया मैं, जो बोला मैंने वही हुआ, मैं खो गया आखिरकार, मैं फाइनली खो गया। यस यस यस, द गेट्स आर क्लोज। ओ गेट बंद हो रहा है, रात होने, ओ शिट शिट शिट, रात होने वाला है, रात होने वाला है गाइस, शिट शिट शिट, मैं फंस गया। ओ नहीं यार अब यहाँ पे ज़ॉम्बीज आने लगेंगे, हम लोगों को वापस अपने उस लोकेशन पे पहुँचना पड़ेगा क्योंकि अगर हम लोग वहाँ नहीं पहुँचे ना तो रात होती। ओ वेट मैं मर गया मम्मी, मैं सच में पहले ही दिन मरने वाला हूँ बिकॉज अब गेट्स क्लोज हो चुके हैं और हम लोग अब नहीं जा सकते और मॉब्स यहाँ पे जो आएंगे ना वो हमारी गुद्दी तोड़ देंगे। तो क्या हम लोग बाहर निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे ना गाइस, गेट क्लोज हो चुका है, समझ रहे हो, गेट क्लोज हो चुका है, ये गेट है ये क्लोज हो चुका है। वेट गाइस, सुबह होने तक अब हम लोगों को यहीं पे वेट करना पड़ेगा क्योंकि गेट क्लोज हो चुका है। शेट यार मैंने लिटरली बहुत बड़ी गलती करी, मैंने उसमें पढ़ा था कि रात होते ही यहाँ पे बहुत ख़तरनाक मॉब्स निकलेंगे जो कि तुमसे तो नहीं मरने वाले क्योंकि हम लोग तो ये देखो नंगे हैं। गाइस उसके हाथ में आप लोग देख रहे हो, उसके हाथ में एक बार देखो मैन, वो मेरी गुद्दी तोड़ देगा लिटरली, एक तीर मारेगा मैं टपक जाऊँगा। मैं एक काम करता हूँ, टॉर्च इंगे को लगा देता हूँ, ओके थोड़ी सी रोशनी रहेगी, एक इंगे को लगा देता हूँ क्योंकि गलती से अगर इस तरफ स्पॉन हो गया ना तो मैं तो नहीं लड़ पाऊँगा उससे। और एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, मेरे पास ने जितनी बुक्स पढ़ी है ना इनको हम लोग पढ़ सकते हैं और इसको पढ़ने के बाद हम लोगों को ना थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से इसको पढ़ के ख़त्म करके आपको बताता हूँ आखिर बात क्या है। ओके तो अभी मैंने ये बुक पढ़ी और इसको पढ़ने के बाद मैं लिटरली इतना ज़्यादा डर चुका हूँ बिकॉज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मिस करी है पीछे और मैं जानता नहीं हूँ इतना अभी क्योंकि ये वर्ल्ड बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मेरे को समझना पड़ेगा, इसमें जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ही चेंज होती रहती है। भाई मैं लिटरली कुछ नहीं कह सकता, आप लोग कमेंट में मेरी थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर करना और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। इतनी मुसीबत में आके आप लोगों के लिए फंसा हूँ तो यार प्लीज़ लाइक तो करना बनता है और सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़ यार। बाकी सुबह होने का वेट करते हैं, फिर मैं देखता हूँ, मेरे को एक अंडरग्राउंड एरिया ढूंढना है, वहाँ पे जाके हम लोगों को मिलेगा और भी चीज़ें, तो अंडरग्राउंड एरिया भी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है मैं अंडरग्राउंड एरिया को तो देख लूँगा बट पहले सुबह तो हो क्योंकि रात इतनी बड़ी है, मैंने पूरी 5 बुक पढ़ डाली अभी तक सुबह नहीं हुई। भाई इतनी देर में तो भाई 4 दिन निकल जाते हैं। अबे मैं बेड तो लाया हूँ ना, मैं भी क्या गधा हूँ यार। इट्स नॉट सेफ टू स्लीप हियर, ओके ओके सर ओके, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए हर जगह। मैं ये आज मेरे को ये भी पता चला मेरा ज़्यादा दिमाग नहीं लगा हुआ भाई पक्का, मैंने लिटरली सोचा बेड तो, अबे बेड भी, अबे बेड तो दे दो यार, अबे बेड ले गए। वेट गाइस सुबह होने वाली है, मैंने देखा अभी, ये देखो रोशनी आ गई, फाइनली सुबह होने वाली है, सूरज चाचू जग गए। ओके सुबह होने वाली है, लेट्स गो, हो जाओ, अबे गेट खोल दो यार, अब तो सुबह भी हो गई, अरे गेट के बाहर रात भर सोया हूँ ठंड में, अरे गेट खोल दो।
अरे गेट खोल दो यार, मेरे को ठंड लग रही है। अरे कंबल में जाऊंगा यार, गेट खोलो। मम्मी गेट नहीं खोल रहे, गेट खोलो। अभी तो सुबह भी हो चुकी है यार, खोल दो। अरे कल को गेट्स आर ओपनिंग डे टू। ओके ए देखो हराम खोरो, इतना बड़ा गेट बंद किया था। हेलो निकल, फंस गया था रात भर ठंड में, सोया हूँ मैं, ठीक है ना। और ये कौन सी जगह है? ओ वेट, ये कौन सी जगह है? अबे ये देखो, ये रहा वो अंडरग्राउंड एरिया, मैं इसी की बात कर रहा था यार। कोल रखा है यहाँ पे, आयरन, ओ भाई आयरन नगेट भी रखे हुए हैं यहाँ पे, लेट्स गो। कोल भी है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। और अंडरग्राउंड जा रहा है भाई ये तो। पहले रुक जाओ, पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ना अगर ज़्यादा नीचे चला गया मैं, उसके बाद पता चल रहा है कि इसके नीचे जाना ही नहीं था, तो ऐसी तैसी हो जाएगी। ये क्या है? ओए यहाँ पे तो जाले लग चुके हैं भाई, कोई बहुत टाइम पहले यहाँ पे आया होगा, उसके बाद यहाँ पे आ ही नहीं पाया होगा। और ये कौन सी जगह है? ओके एक काम करते हैं, हम लोग और नीचे जाते हैं देखने के लिए कि आखिर क्या है। ऑल राइट गाइस, तो मैं और नीचे आ चुका हूँ, और यहाँ पे ओ वेट, ये है क्या? ये कोई तो मैकेनिक है गाइस, जो कि खराब पड़ा है, बट मेरे को इसको ठीक करना पड़ेगा, और उसके बाद ना ये लिटरली बहुत अच्छा हो जाएगा। तो पता नहीं ये कौन सा मैकेनिक है, मेरे को इसके बारे में बुक में पढ़ना पड़ेगा कि आखिर ये कौन सी चीज़ में काम करता है। कोई फार्म वार्म होगा जो हम लोगों को अनलिमिटेड खाना वाना टाइप का दे, और मैं नहीं चाहता मैं किसी ऐसे गेट में चला जाऊँ जहाँ पे मैं बंद हो जाऊँ या फंस जाऊँ। ओके इसके अंदर कुछ खाना रखा हुआ है, एक सेकेंड। ओके यहाँ पे किसी में कोल रखे हुए हैं, मैं कहाँ फंस गया, किसी में कोल रखे हुए हैं, मतलब कोई जो यहाँ पे हमसे पहले आया होगा ना, वो यहाँ पे ऐसे चीज़ें रख के गया है। और भाई यार यहाँ पे ये क्या, स्मिथिंग टेबल है क्या? ओके भाई बहुत खतरनाक एरिया देखने को मिल रहे हैं। ये क्या है? ओके यहाँ पे ना एक बहुत अलग सी जगह आई। ओ वेट भाई, मेरे को इसको फूटने नहीं देना। गया समग्र। ओ ओके ये जगह अनब्रेकेबल है, तो भाई इस वजह से टूटा नहीं। बाकी अगर ओ भाई अबे यहाँ पे कितने क्रीपर है, भयंकर। फंस गया। ओ भाई निकल गया। अबे कितने क्रीपर आ रहे हैं भाई साहब, मैं तो मरते मरते बच रहा हूँ यार, मेरे को यहाँ पे टॉर्चेस पहनने पड़ेंगे। और किससे बुक से क्यों मार रहा है भाई? हो गया अभी खेल ख़त्म हो जाए। और मर गया। ओके एक काम करते, पहले मैं यहाँ पे ना टॉर्चेस लगा देता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे ना बहुत सारे क्रीपर स्पॉन होने लगेंगे, और ये जगह जो है ना बहुत ज़्यादा प्रीसियस है। तो इस जगह पे ना ये देखो, ये वही जगह है जहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग वूल्स ला के इसके अकॉर्डिंग रखने पड़ेंगे, और इसके भी अकॉर्डिंग रखने पड़ेंगे क्या? अबे ऐसा मत बोलो यार, इतने सारे लाने पड़ेंगे क्या मेरे को? अभी फंस गया तो करना तो पड़ेगा ही ना भैया, हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे वरना, है ना। अब फंस गए तो करेंगे ही। अभी क्या चीज़ है? अबे ये तो अलग अलग जगह जा रही है। ओके ये ट्रेन है क्या? ऑल राइट गाइज, तो मैं समझ गया ये क्या है। जब हम लोग यहाँ पे सारे वूल भर देंगे, उसके बाद ये ट्रेन में हम लोगों को चढ़ना है, और ये ट्रेन सीधा जाएगी आगे की साइड, ये जो आप लोगों को रास्ता दिख रहा होगा, और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, यानी कि एस्केप कर जाएंगे। तो ये तो मैं समझ गया। ओके बट अगर मैं नहीं कर पाया तो ओबे ये क्या है, ये तो गड्ढा बना हुआ है, मैं नहीं जा रहा। पता चला वॉइड से बाहर गिर गया, मैं नहीं जा रहा भाई। ओ यहाँ पे चेस्ट रखी हुई है, यहाँ पे टिप्स है। ओके तो ये भी बढ़िया है, चीज़ें तो समझ में आ रही है मेरे को धीरे धीरे। आप लोग भी कमेंट में मेरी बहुत सारी हेल्प करना, क्योंकि भाई आप लोगों के हेल्प के बगैर तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा मामला पानी। और ये रूम तो भाई कुछ अलग ही है बे, ये देखो
मेरे को ये सारी चीज़ें ठीक भी करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। अभी देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं हम लोग। बाकी मुझे ऐसा लगता है आज के लिए इतना काफ़ी होगा गाइस, क्योंकि मैं फंस चुका हूँ ऐसे वाले वर्ल्ड में, तो आप लोगों को मेरी पूरी हेल्प करनी पड़ेगी। और लाइक नहीं किया अभी तक वीडियो को, लाइक करते रहना, और कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो, सब्सक्राइब को दबा दो, ठीक है, सब्सक्राइब को दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, गुड बाय।